गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडुसर पे। यहाँ पर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स। चलिए, आपका आज का जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है वो न्यूटोनियन मोशन के ऊपर है, मींस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये आपका नया टॉपिक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि आप सभी लोगों ने क्लास नाइन्थ में भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ये चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 5 तक पहुंच गए हैं। बेसिकली एक बात आप लोग समझ लें कि चैप्टर के बेसिस पर नहीं, टॉपिक के बेसिस पर पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। खास करके प्लस वन प्लस टू में काइनेमेटिक्स में हमने क्या क्या सीखा, मोशन इन वन डायमेंशन कैसे होता है, मोशन इन टू डायमेंशन कैसे होता है, ठीक है, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन हमने सीखा, ठीक है, और भी कई कई तरह चीज की चीजें हमने सीख ली। इन द सेंस ऑफ, कहने का मतलब ये है कि हमने काइनेमेटिक्स में क्या क्या पढ़ा, काइनेमेटिक्स में सीखा इफेक्ट ऑफ मोशन और रेस्ट, ठीक है। हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और अगर मोशन में है तो क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है, उसमें कितनी वेलोसिटी आती है, कितनी एक्सेलरेशन आती है, किस डायरेक्शन में जाता है, क्या उसका इफेक्टिव वेलोसिटी होता है, ठीक है। हमने ये चीज के बारे में पढ़ा। जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू, ठीक, इस ऑब्जेक्ट का मास है एम। अगर ये रेस्ट पे है तब तो अपना ये पोजीशन चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर ये मोशन में है तो ये चला आएगा यहां पर, मास तो चेंज नहीं होगा बट इसकी स्पीड जरूर चेंज हो जाएगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। या फिर नहीं भी चेंज होगी तो उसके हिसाब से अलग उसका मैकेनिज्म लगेगा। तो हमने पूरी तरह से काइनेमेटिक में ये सीखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है तो क्या इफेक्ट उस पर पड़ता है, बट इसके काउज के बारे में हमने नहीं पढ़ा। तो ये जो चैप्टर है हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये इसे हम लोग कहते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं काउज ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। जो हम लोगों ने देखा कि वेलोसिटी जो चेंज हो रही है उसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, ठीक है, उसके पीछे का काउज क्या है, चेंज अगर नहीं हो रही है तो उसके पीछे का काउज क्या है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डायनामिक्स में। यानी कि अब से हमारा शुरू होगा काइनेमेटिक्स के बाद डायनामिक्स शुरू होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट का मोशन का काउज के बारे में पता करना है। और बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स, ठीक है, कि फोर्स क्या होता है, कैसा होता है, कितने तरह का होता है, कंप्लीट एकदम एकदम छोटा छोटा बात को भी हम समझेंगे, सीखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो क्लास है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, तो हमें पढ़ने के लिए ये क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें काउज पता करना है कि आखिर रेस्ट और मोशन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। इसलिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, ठीक है। किस चीज को पढ़ेंगे, इसमें बेसिकली हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जनरली यू ऑल नो दैट फोर्स इज पुश और पुल, ठीक है, ये तो सभी को पता है कि फोर्स क्या होता है, एक पुश और पुल होता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता है फोर्स, इतना बात तो सभी को पता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे फोर्स की तरफ से, ठीक है। आप लोग कॉपी पेन निकाल लें और नोट करना शुरू करें। इसको मिटा दिया जाए, चलिए इसको मिटा दिया जाए। तो हमारा टॉपिक है सबसे पहले फोर्स, ठीक है, जिसका मतलब होता है पुश या फिर पुल, ठीक है। फोर्स के बारे में डिफिनीशन जो आया वो फिलहाल शुरू में जब हम लोग इनिशिएट करते हैं, चलिए इस फोर्स के बारे में हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया, न्यूटन ने इंट्रोड्यूस कराया, अप्रॉक्सीमेट 1600 के आसपास की सेंचुरी होगी, 1640 के आसपास की सेंचुरी हो रही होगी, ठीक है, मतलब कंप्लीट ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, हम लोग चल रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में, रंगीन जमाने से ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में, ठीक है, उस टाइम ही इसकी
शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इनिशियली हम कह सकते हैं कि फोर्स क्या है, पुश और पुल होता है। ठीक है, अब इस फोर्स पे क्या होता है कि जब भी हम किसी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो क्या करता है, अपना पोजीशन, अपना स्टेट ऑफ पोजीशन को क्या करता है, चेंज करने का कोशिश करता है। मान लिया जाए हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट था M, हमने इसे क्या किया, पुश किया। ठीक है, हमने किसी फोर्स F लगा करके इसको क्या किया, पुश किया। अब मान लिया जाए ये 10 केजी का है तो ये पुश हो करके अपना प्लेसमेंट को चेंज कर लेगा, अपना पोजीशन को चेंज कर लेगा। तो जब चेंज करेगा तो इसके वेलोसिटी में चेंज आएगी, इसके एक्सलरेशन में चेंज आएगी, आया ना। तो इसमें जो चेंजिंग आया किसकी वजह से आया, इसी फोर्स की वजह से आया ना, कितना फोर्स लगा कितना फोर्स नहीं लगा। लेकिन अगर यही 100 केजी का ऑब्जेक्ट है तो शायद मुश्किल हो आपके लिए इसे पुश करना या फिर पुल करना। एंड सपोज ये 1000 केजी का ऑब्जेक्ट हो जाए तब तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो गया, तब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी, यहां से यहां मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास सफिशियंट फोर्स नहीं है। तो फोर्स लगने का ये मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट का जो है डिस्प्लेसमेंट या ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो हमेशा चेंज हो जाए। ठीक है, फोर्स लगने के कारण, यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल लगा रहे हैं उसके कारण वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज हो सकता है, होगा ना। मान लीजिए आपके पास बलून है, फोर्स लगाया आपने, उसका शेप एंड साइज बदल जाएगा। या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका शेप और साइज चेंज हो सकता है, उस पर आपने फोर्स लगाया, शेप और साइज बदल जाएगा, बदलेगा ना। तो बदल भी सकता है और नहीं भी, अगर बहुत ज्यादा सॉलिड रहा, लोहा रहा, तो आप कितना भी फोर्स लगा लीजिए शेप और साइज नहीं चेंज होगा। ठीक है, वुडन रहा शेप और साइज चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कैसा है। तो मे बी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज चेंज हो सकती है, मे बी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, फोर्स लगने का काउज होता है। अब जो हम लोग नेचर में देखते हैं, नेचर में बहुत तरह के फोर्सेस होते हैं, बहुत तरह के, इनफिनाइट फोर्सेस, बट उन सारे फोर्सेस की चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, हमें एक एक करके उसके टाइप्स के बारे में चर्चा करनी है। जैसे कि अगर देखा जाए तो फोर्सेस होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, नाम से ही स्पष्ट है, जिस फोर्स को लगने में सटने का जरूरत हो, कॉन्टैक्ट का जरूरत हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, फिर होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक, फिर होते हैं न्यूक्लियर फोर्स, और एक होते हैं वीक फोर्स। ठीक है, जनरली ये चार तरह के फोर्सेस होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा टेंशन फोर्स, ठीक है, टेंशन का मतलब वो वाला टेंशन ही जो दिमाग में टेंशन आता है। ठीक है, कि अच्छा ये काम नहीं हुआ टेंशन आ गया, वो काम नहीं हुआ टेंशन में आ गया, वो टेंशन नहीं, टेंशन एक तरह का फोर्स होता है। ठीक है, डिटेल्स में इसके बारे में चर्चा होगी, पूरा तो फोर्स की ही चर्चा होनी है। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए कि क्या क्या होता है, कितने तरह का होता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन पता है, दो सरफेस जब कॉन्टैक्ट में आता है तब लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब यहां पर जितने भी फोर्सेस हैं वो आपको कॉन्टैक्ट में आने के बाद ही पता चलेंगे, बिना कॉन्टैक्ट का इस फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, फिर हो गया आपका नॉर्मल फोर्स, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, फिर हो गया आपका स्प्रिंग फोर्स, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, ETC। अब आप तो समझ गए होंगे कि जितना भी फोर्सेस है कॉन्टैक्ट के थ्रू लगता है उसे हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, जिसमें कि टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इन सारे फोर्सेस के बारे में आपको क्लास 11th में पढ़ना है बारी बारी। ठीक है, एक एक करके सब पढ़ेंगे। ठीक, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जिसमें फोर्स लगाने के लिए कॉन्टैक्ट का जरूरत नहीं हो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। क्या, जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अगर हम छोड़ दें तो ये डायरेक्ट नीचे जाकर के गिर जाएगा, कौन सा फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल। क्या इसमें और ग्रेविटेशन में कोई कॉन्टैक्ट है, फिलहाल तो नहीं है, फिर भी फोर्स लग रही है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें भी क्या होता है, कांटेक्ट में आने का कोई जरूरत नहीं, अगर एक चार्ज यहां एक चार्ज यहां है, अगर ऑपोजिट है तो अट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर ऑपोजिट नहीं है तो रिपेल होना शुरू हो जाएगा, तो इसके लिए भी कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेट में जो लगने वाली फोर्सेस होती है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो इन सारे फोर्सेस को कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब इसमें हम लोगों को क्लास 11th में डिटेल्स में पढ़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, बाकी ये दोनों की चर्चा क्लास 12th में होगी, ये दोनों अलग अलग चैप्टर्स ही हैं क्लास 12th में, इसलिए इसकी चर्चा हम लोग क्लास 12th में करेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स यू नो अबाउट, जो न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में जो लगती है फोर्सेस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये जो होती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, मतलब पूरे यूनिवर्स में जितनी भी फोर्सेस है उन फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होती है वो न्यूक्लियर फोर्स होती है, जो न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगती है। हालांकि प्रोटॉन और प्रोटॉन रिपेल करते हैं, फिर भी एक दूसरे को बांधे कौन रखता है, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, उसको वहां से भागने नहीं देता है, रिपेल होने नहीं देता है। सोच लीजिए कितना ज्यादा फोर्स होगा, जिसको रिपेल होना था उसको ये बांधे रखता है, उसको जोड़ करके रखता है, कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी, सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए एक आता है वीक फोर्स। वीक फोर्स गैसेस में लगती है, ठीक है, गैस के बीच में लगती है, इसे हम लोग वंडर वाल फोर्स भी कहते हैं, वंडर वाल फोर्स। ठीक है, ये दुनिया की सबसे कमजोर फोर्स होती है, जिसे हमें पढ़ना है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसके बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे, बस ये समझ लेंगे कि इतनी तरह की फोर्सेस होती है, और इसके बारे में पढ़ना है क्लास 12th में, तो इसके बारे में भी फिलहाल अभी चर्चा नहीं करनी है। मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना है किस किस फोर्स पर, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इन पर विशेष रूप से ध्यान देना है फिलहाल अभी के चैप्टर्स में। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आई बात आपको समझ में, धीरे धीरे और भी समझ में आने लगेगी, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, मैं इसे रब करता हूं और टॉपिक डालें ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, पूरा डिटेल्स में नहीं जाना है, अभी थोड़ा थोड़ा सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है। ठीक है, डिटेल्स में इसका अलग से चैप्टर है, हम वहां पर कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल जितना जरूरत है उतना पढ़ेंगे, नहीं तो पता चलेगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तरह जगह हम ये पढ़ना शुरू कर दिए। ठीक है, चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लिया जाए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। ठीक है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, चलिए इसको मिटा देता हूं, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। ठीक है, ये हो गया हमारा अर्थ, हो गया ये अर्थ का सेंटर है। अब इस ऑब्जेक्ट पर टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एक फोर्स लगती है, कितनी लगती है, m इंटू जी के बराबर, मास इंटू ग्रेविटी के बराबर। ठीक है, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि w बराबर mg, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं वेट। ठीक है, ये हमारा क्या है, वजन है। ठीक, चलिए ये हो गया, मान लिया जाए यहां पर एक ऑब्जेक्ट है m, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगी, नीचे की तरफ, कितना, mg, और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, यहां पर नीचे अर्थ नहीं है, जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स रखेगी लगेगी, हमेशा याद रखना है, ये लगती है टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये बात का ध्यान रखना है। तो अर्थ कहां है इसके लिए, इस तरफ है, सेंटर कहां है, इस तरफ है, इसका फोर्स इस तरफ लगेगा w बराबर mg। अगर मान लिया जाए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका फोर्स इधर लगेगा, यहां कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका फोर्स इधर लगेगा, यहां कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका फोर्स इधर लगेगा, जब भी लगेगा टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, कितना लगेगा, w इज इक्वल टू mg के
बराबर, वेयर जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज रिक्वायर्ड बाय क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन का हिसाब किताब रहेगा हम वैसा जी का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स में फिलहाल अभी के लिए आप लोग के लिए इतना ही। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कुछ और फोर्सेस की तरफ। चलिए दूसरी फोर्स की बात करते हैं हम लोग, टेंशन। टेंशन फोर्स जो होती है इसे इंडिकेट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ टी से। ठीक है, और ये टेंशन फोर्स लगती है स्ट्रिंग में, वायर में या स्प्रिंग में। ठीक है, इन सब जगह क्या होती है, टेंशन की फोर्स लगती है। टेंशन की फोर्स का मतलब क्या होता है कि मान लिया जाए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इस पर हमने क्या किया, एक ब्लॉक एम मास का लटका दिया। ठीक है, अब लटका देने के बाद ये जो मास m है, अच्छा हमेशा जितना भी प्रॉब्लम्स आएगा हम ये मान करके चलेंगे कि नीचे हमारा क्या है, अर्थ का सरफेस है। ठीक है, इधर नहीं मानेंगे, इधर नहीं मानेंगे, नीचे मानेंगे। ठीक है, तो इस पर तो सबसे पहले एक फोर्स नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल वाली लग रही है। ठीक है, mg, और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसकी जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग क्या करती है, एक फोर्स लगाती है जो इस mg को बैलेंस करती है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने नहीं देती है। देखिए इसको अगर रस्सी से बांध करके ऊपर टांग दिया जाए ये नीचे नहीं गिरेगी, लेकिन अगर जरूरत से अधिक इसका वजन हो जाए स्ट्रिंग उसको संभाल नहीं पाएगा, मतलब स्ट्रिंग उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा जितना इसका वजन है, तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगी ना। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग होती है कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाती है, उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं टेंशन फोर्स, और इसका डायरेक्शन हमेशा होता है जिस ऑब्जेक्ट का रिफरेंस लेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन इसका क्या होगा, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर यहां पर हम अम्ब्रेला रूल लगा सकते हैं, छाता रूल। ठीक है, कैसे, मान लीजिए हमको यहां पर टेंशन पता करना है, इसके ऊपर स्ट्रिंग खुला हुआ है तो हम यहां पर बैठ करके छाता खोल देंगे। अगर यहां बैठ करके छाता खोलेंगे, छाता कैसे खुलेगा हमारा, इस तरह से खुलेगा ना, इसी डायरेक्शन में खुलेगा, ये हो गई टेंशन। अगर मान लीजिए इस सरफेस पर हम खड़ा है और टेंशन की डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो छाता कैसे खुलेगा, इस डायरेक्शन में, तो टेंशन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो एक ही स्ट्रिंग पर क्या होता है कि हर एक पॉइंट पर टेंशन की फोर्स लगती है, हर पॉइंट पर टेंशन की फोर्स लगती है। ठीक है, और हर एक पॉइंट पर टेंशन की फोर्स लगती है और उसका डायरेक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो टेंशन का डायरेक्शन क्या है एग्जैक्टली कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हाँ किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या है ये हम बता सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो टेंशन का डायरेक्शन पता करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा हमें किस ऑब्जेक्ट से टेंशन की डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, वहां पर बैठ करके छाता खोल देंगे टेंशन का डायरेक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई और कुछ बातें टेंशन से रिलेटेड जो कि आपको याद रखनी है। इफ अ स्ट्रिंग चेंजेस, ठीक है, देन टेंशन चेंजेस, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लिया जाए हम सेम स्ट्रिंग फिलहाल आपको कैसी मिलेगी, स्ट्रिंग मिलेगी आपको मासलेस। ठीक है, फिलहाल आपको ये स्ट्रिंग से आपको काम चलानी है, काम क्या चलानी है आपका पूरा लगभग सिलेबस में यही स्ट्रिंग आपको मिलेगी, स्ट्रिंग में कोई मास नहीं होगा, जब मास आएगा तो उसके लिए अलग फेनोमेना यूज होगी। ठीक है, तो हमारा स्ट्रिंग मासलेस होता है, ठीक है, वेटलेस होता है, पतला होता है, उस तरह के स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो अगर ये स्ट्रिंग सेम है तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग उसका टेंशन कोई बदलाव नहीं आएगा, सारे पॉइंट पर टेंशन क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर स्ट्रिंग बदल जाता है तो उसकी टेंशन भी क्या होती है, बदल जाती है। जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास इस तरह के कुछ है, ठीक है,
M है, M1 है, M2 है, ठीक है। तो अगर देखा जाए नीचे क्या हो जाएगा, M2G, तो यहां पर स्ट्रिंग अलग अलग है। अगर इस स्ट्रिंग पर टेंशन T1, तो इस स्ट्रिंग पर टेंशन क्या हो जाएगा, T2। इस स्प्रिंग पर टेंशन क्या हो जाएगा, T2, ठीक है। इस स्प्रिंग पर टेंशन क्या हो जाएगा, T1। तो अगर स्ट्रिंग चेंज हो रहा है तो उसके टेंशन भी चेंज होंगे। स्ट्रिंग सेम रहेगा, उसके टेंशन क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। क्लियर है आपको ये बात, चलिए आप समझ में आ गया। तो टेंशन से रिलेटेड आप लोग ये बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब भी टेंशन की फोर्स अप्लाई होगी तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे भी जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं, चलिए क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। आगे पढ़ समझते हैं नॉर्मल फोर्स को। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और इसे इंडिकेट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ एन से। नॉर्मल फोर्स क्या होती है कि अगर मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास एम है, अगर वो किसी सरफेस पर रखी हुई है, तो जनरली ये जो मास है ये सरफेस पर एक तो लगाएगी कॉन्टेक्ट फोर्स के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका वैल्यू हो जाएगा एम एन टू जी। एंड इस ऑब्जेक्ट पर, अब देखिए पिछली बार ये स्ट्रिंग से लटका हुआ था तो इसको बैलेंस करने के लिए टेंशन वाली फोर्स थी। अब इसे बैलेंस कौन कर रहा है, क्योंकि mg के कारण ये तो नीचे धस करके नहीं आ जा रहा है। ऐसा होता है टेबल पर हम रखें और ये टेबल को तोड़ करके नीचे पहुंच गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर सिर्फ mg लग रही है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता। हम टेबल पर रखते हैं तो ये वहां पर रेस्ट में होता है। तो रेस्ट में क्यों होता है, क्योंकि इस पर इसको बैलेंस करने के लिए सरफेस क्या करती है, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाती है जस्ट परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, या फिर सिंपली नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक है। जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे लगती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। ये होती है नॉर्मल वाली फोर्स। यही नॉर्मल वाली फोर्स क्या करती है, इस mg को बैलेंस करने का काम करती है। जिस तरह से ये वाला जो सरफेस है, इसके सरफेस के कांटेक्ट में आने से नॉर्मल फोर्स लगाई, ठीक है। नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट के पास भी तो सरफेस होगा, होगा ना, ये सरफेस होगा तो ये नीचे वाले सरफेस की तरफ भी क्या लगाएगी, एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी, ठीक है, जिसे हम लोग एनडेस बना करके चलते हैं, ठीक। तो ये क्या होती है कि जो नॉर्मल फोर्स होती है ये अकर्स इन पेयर में होती है, ठीक है, अकर्स इन पेयर। जब भी नॉर्मल फोर्स लगेगी वो पेयर में अकर होगी। हालांकि हमें दूसरे पेयर का कोई ज्यादा काम नहीं होता है, हम पहले पेयर से ही सिर्फ, पहले वाले से ही सिर्फ काम चला लेते हैं, ठीक है, उससे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाती है, इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं। बट इन सम केसेस जहां पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हुए, जहां पर मोर देन वन सरफेस आएंगे, वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक नॉर्मल से काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती है। जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास सरफेस कुछ ऐसा है, इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर मास एम है। अब यहां पर नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगी, तो सबसे पहली बात, नॉर्मल फोर्स सबसे पहले यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगी, नीचे की तरफ, कितनी, एम इंटू जी, ठीक है। और जो नॉर्मल फोर्स होती है, मैंने क्या बताया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस कैसा है, इंक्लाइंड है, इस तरह से तिरछा है सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे जाएगी ना, इसके परपेंडिकुलर ऐसे जाएगी, तो इसकी नॉर्मल फोर्स कैसी होगी, इस तरह से होगी, ठीक है। इनके बीच में एंगल क्रिएट होगा, ये 90 डिग्री होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखें, सरफेस से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक है। आई आपको इतनी सी बात समझ में कि नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे अप्लाई करते हैं, ये बातें हो गई। अब बची हमारी स्प्रिंग फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, जिसे आने में भी टाइम लगेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स तो काफी टाइम लगेंगे आने में, ठीक है, तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी आपको ये तीन फोर्सेस के बारे में समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसके लिए हम लोग, आप लोग काफी समय से वेट कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं।
फर्स्ट लॉ ऑफ NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पहला नियम। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से पता है, क्या कहा था न्यूटन भाई साहब ने ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम में, इन्होंने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो चाहता है हम रेस्ट पर ही रहें। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो क्या चाहता है, मोशन में ही रहें। इसका मतलब क्या हुआ, देर इज नो चेंज इन इट्स स्पीड, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा तो स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं, मोशन में अगर है तो मोशन में ही रहेगा तब भी कोई चेंजिंग नहीं। कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये भी इन्होंने मेंशन किया था, और कहां पर, इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है रेस्ट में रहेगा, मोशन में है मोशन में रहेगा, कब तक, अंटिल द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट, जब तक कि इस पर कोई भी बाहर से फोर्स ना लगे। जैसे कि हम एक ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है, ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में ही रहेगा, अपने आप मूव तो करना शुरू नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं तब ये मूव करना शुरू करता है ना। ठीक है, तो जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, ठीक है, ट्रेन चल रही है मान लिया जाए, ठीक, ट्रेन चल रही है, अब ट्रेन को हमें रोकना है तो रोकेंगे कैसे, ट्रेन पर फोर्स लगाएंगे, कौन सा फोर्स लगाएंगे, ब्रेक मारेंगे, ठीक है, जिससे उसकी एक्सलरेशन कम होगी और वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगी। तो अगर हम ब्रेक लगाएं तो ब्रेक क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स हुआ ना, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद ही वो अपना पोजीशन को चेंज कर सकती है, अगर नहीं हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो अपने उसी पोजीशन को वो मेंटेन रखने की कैपेसिटी रखती है, इसलिए, ठीक है, मेंटेन रखने की कैपेसिटी रखती है, यहां तक तो बात ठीक है, ठीक है, इसी को न्यूटन्स ने बताया था पहली बार, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, उन्होंने अपने मोशन के लॉ में ये बतलाया। ठीक है, चलिए अब इसे, इसके लॉज को लिखते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, जिसे आप लोगों को याद रखनी है। ठीक, ए बॉडी कॉन्टिन्यूज इट्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन, स्ट्रेट लाइन, अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट, ये कहना था न्यूटन्स का। ठीक है, और इसी लॉ को हम लोग कहते हैं, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्सिया। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्सिया, भी इनर्सिया का लॉ भी यही कहता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट, एक्चुअली इनर्सिया क्या होती है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है इनर्सिया में और इसमें। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि इनर्सिया का मतलब होता है ये प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, क्या प्रॉपर्टी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहता है अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, आप अगर सोए हुए हैं तो सोए हुए रहना चाहते हैं, क्या जब तक कि मम्मी आपको मार करके उठा ना दे, है कि नहीं, तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, इसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्सिया, एंड न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी ऐसा ही है। इसे दिया था हमारे साइंटिस्ट गैलीलियो साहब ने, ठीक है, गैलीलियो ने बताया था लॉज ऑफ इनर्सिया के बारे में,
और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ने क्या किया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पूरा का पूरा गैलीलियो के ये लॉ को उठा करके चिपका दिया अपने में, ठीक है। लेकिन फेमस हो गया न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है, के नाम से फेमस हो गया। तो आपको ये लॉ याद रखनी है, अगर आपसे लॉ ऑफ इनर्शिया पूछे या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पूछे, सेम उसका मतलब है, कोई अलग मतलब नहीं होगा, ठीक है। बट इनर्शिया अगर सिर्फ पूछे तो इनर्शिया का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और इनर्शिया बेसिकली उसके किस पर डिपेंड करता है, उसके मास पर डिपेंड करता है उसका इनर्शिया, ठीक है। मान लिया जाए कि कोई बॉडी बहुत ज्यादा हैवी है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा देर तक रेस्ट में रह सकती है, मतलब उसके इनर्शिया की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत लाइट है, रुई, वो भी ऑब्जेक्ट है, उसको हल्का सा फूंक मारेंगे भाग जाएगा, क्या भाग जाएगा ना, तो उसके पास भी इनर्शिया है, लेकिन इनर्शिया की प्रॉपर्टी उसके पास, उसकी प्रॉपर्टी बहुत कम है, वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकती है, ठीक है। इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, आई बात आपको समझ में, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी न्यूटन्स के फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है, नोट करें। चलिए अब इसका थोड़ा और मतलब समझते हैं। तो हमारे न्यूटन साहब ने फाइनली इतना कहने के बाद यह समझाया कि किसी भी सिस्टम पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास तो इतना चीज तो है, इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं ना, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स इसकी क्या होगी, सिस्टम की जीरो होगी, मतलब हम किसी भी तरह का इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इंटरनल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर नेट एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अगर फोर्स ही नहीं लग रही है तो ऑब्जेक्ट में क्या होगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसे भी ऐसे समझ सकते हैं, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर ये जीरो तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो बटे एम जीरो, ठीक है, अगर फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं फिजिक्स में इक्विलिब्रियम स्टेट, क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाता है तो उस स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम, मतलब संतुलन की अवस्था, संतुलित है, मतलब ना तो इधर जाएगी ना ही इधर आएगी, ठीक है, यानी कि जो उसका स्टेट है वो अपने स्टेट को मेंटेन रखे, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकलता है, जरा सोचिए, ए बराबर क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी, ए हो गया जीरो, वी माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू बराबर जीरो, v बराबर यू, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी नहीं बदलेगी। अब जरा समझिए, ये पहले रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल भी जीरो, क्या दोनों बराबर है। जब ये मोशन में था, मान लिया जाए इसकी इनिशियल वेलोसिटी पांच है, और बाद में भी क्या है, ये मोशन में ही है, फाइनल वेलोसिटी भी इसकी पांच है, यूनिफॉर्म मोशन, क्या मेंशन किया था मैंने, यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसकी स्पीड नहीं चेंज होनी चाहिए, जो इनिशियल वही फाइनल, ठीक है, क्या आएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो आएगा, मतलब क्या निकला इसका, इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट हो गई। इससे ये निकलता है इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में है, उस पर नेट फोर्स जीरो लग रही है, उस पर नेट एक्सेलरेशन जीरो है, तो उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, जीरो नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, जीरो सिर्फ एक ही कंडीशन में होगी, रेस्ट के कंडीशन में, अदरवाइज उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट मतलब जो शुरू में वही लास्ट में, शुरू में जीरो तो लास्ट में भी जीरो, इसमें दोनों कैटेगरी को हम एक साथ कर लिए कांस्टेंट लिख करके, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने क्या कहना चाहा, ठीक है। आप लोग इतनी, शायद वीडियो काफी लंबी हो गई है, ठीक है, तो इतनी चीज को सबसे पहले आराम से पचा लें, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट से रिलेटेड, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड
मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे, मजा आएगा आपको बना के, जिसमें मैं सिखाऊंगा सबसे पहले एफ बी डी ड्रॉ करने के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फ्री बॉडी डायग्राम कोई भी न्यूटोनियन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए तब तक पढ़ाई करते रहें,